ऐसे ही हमें किसी ने जानकारी दी कि ये जो क्षेत्र है उटाटी नाम, हालांकि आपको पहली बार सुन रहे हैं तो कुछ अजीब सा लगेगा, लेकिन ये केंद्र, ये जो क्षेत्र है ये विश्व विख्यात क्षेत्र है। यहाँ पर एक ऐसी चीज होती है जो वर्ल्ड में कहीं नहीं होती हर दिन, इसलिए हजारों की संख्या में मरीज इस आस्था के केंद्र में आते हैं। यहाँ पे जो पैरालाइज जो मरीज होते हैं, जो लकवाग्रस्त मरीज होते हैं, यहाँ पे आते हैं। और यहाँ पे जो महात्मा है उनकी समाधि है और एक मंदिर है। तो शाम हो चुकी है, हमें अपना ठिकाना ढूंढना था तो हमने अपना ठिकाना ढूंढ लिया और एक ऐसी जगह पे पहुंचे हैं जो बिल्कुल कह सकते हैं कि वर्ल्ड में बिल्कुल यूनिक चीज है, अलग चीज है और हमारी आस्था का एक केंद्र बिंदु है। वो हम आपको आगे बताएंगे। तो हमारे भाई है, उनसे भी जानकारी लेंगे, उनसे भी मिलाएंगे और आखिर क्या चीज है जो लोगों की आस्था का केंद्र है और जो कोई नहीं ठीक कर सकता, वो यहाँ पे आके लोग किसी न किसी रूप में उस आस्था के कारण ठीक होते हैं। तो मोबाइल हम जमा देते हैं। तो नमस्ते दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं मैं मेहुल भारत यात्री साइकिल से पूरे भारत की यात्रा कर रहा हूँ। और जो कुछ मुझे भारत के संबंध में अच्छा मालूम होता है तो मैं उस ओर बढ़ जाता हूँ। लोग मुझसे पूछते कि भी आप कहाँ जाते हो, क्या करते हो, तो मुझे लोग बताते हैं कि भाई यहाँ भी ये चीज अच्छी है, हमारी आस्था का के केंद्र है या हमारी संस्कृति से रिलेटेड है, तो हम उस ओर आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे ही हमें किसी ने जानकारी दी कि ये जो क्षेत्र है उटाटी नाम, हालांकि आपको पहली बार सुन रहे हैं तो कुछ अजीब सा लगेगा, लेकिन ये केंद्र, ये जो क्षेत्र है ये विश्व विख्यात क्षेत्र है। यहाँ पर एक ऐसी चीज होती है जो वर्ल्ड में कहीं नहीं होती। यहाँ पे जो पैरालाइज जो मरीज होते हैं, जो लकवाग्रस्त मरीज होते हैं, यहाँ पे आते हैं। और यहाँ पे जो महात्मा है उनकी समाधि है और एक मंदिर है। इधर जाके पर पंजार बना के किधर